हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लीन अप की वीडियो। जो भी टीनेजर गर्ल्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पिंपल की प्रॉब्लम होती है, हाई पिगमेंटेशन है उनके फेस पे, वो किस तरीके से इस तरीके का क्लीन अप ले सकती हैं, उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। आज मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ O3 का स्किन वाइटनिंग, मैंने यहाँ पर क्रीम लिया है और इन्हीं से आज मैं उनका क्लीन अप करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने उनके फेस को एक वेट टिश्यू से अच्छे से, मैंने उनके फेस पे जो भी मॉइस्चर था उसे मैंने निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे अब मैं अप्लाई कर रही हूँ क्लींजर। इसको मैं इस तरीके से ब्रश की हेल्प से ही मैं अप्लाई करती हूँ, इससे काफ़ी प्रोफेशनल भी लगता है और काम जो है बहुत ईजी हो जाता है। इसको आपको पूरे फेस पर इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आपको फोरहेड से नीचे की ओर या तो आप चिन से फोरहेड की ओर, जैसा आपकी मर्ज़ी, आप इस तरीके से उसे क्लीन कर लीजिए। जब भी हम क्लींज़र का यूज़ करते हैं, क्लींज़र हमें बहुत ज़्यादा देर तक एकदम रफली मसाज नहीं करना होता। इसको बस आपको उनके फेस पे जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, डस्ट है, उसे क्लीन करना होता है। तो इसको आपको मुश्किल से सिर्फ 2 मिनट ही उनके फेस पर इस तरीके से स्क्रबिंग कर लेना है आपको। चाहे हम क्लीन अप करें या फेशियल करें, सबसे पहले आपका फेस जो है वो क्लीन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका फेस जो है डीप क्लीन नहीं होगा, तो आप जो भी प्रोडक्ट के साथ, चाहे आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट के साथ इस तरीके से क्लीन अप या फेशियल लेती हैं, आपको उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। तो यही मिस्टेक करती हैं जो भी बिगनर्स हैं, जो अभी न्यूली अपना सलून ओपन किए हैं, वो इस तरीके का मिस्टेक करती हैं जिनसे कि उनके क्लाइंट को बिल्कुल भी ग्लो नहीं आता, चाहे वो क्लीन अप कराती हैं या फिर फेशियल। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने फर्स्ट क्लींजर को क्लीन कर लिया है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है स्क्रबिंग। स्क्रब जिसमें थोड़े छोटे छोटे दाने होते हैं, ये हमारा सेकंड प्रोसेस होता है, जिससे कि हमारे फेस पे जो भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, हमारे जो फेस है उसका जो पोर्स है वो ओपन होता है। तो सेकेंड प्रोसेस होता है स्क्रब। स्क्रब को आपको इस तरीके से ब्रश की हेल्प से भी आप उसे स्क्रब कर सकते हैं, या तो आप हाथों से भी इस तरीके से कर सकते हैं। हैंड से आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे स्क्रब कर लेना है। और याद रखिए, जब भी आप सेंसिटिव स्किन पे वर्क करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हाथ नहीं चलाना है और कभी भी आपको स्टीम को बहुत क्लोज से अपने क्लाइंट को नहीं देना है। आप देख सकते हो मैं स्टीम काफ़ी दूर से दे रही हूँ। आप इस तरीके से साथ साथ स्टीम देते हुए भी जा सकते हैं, या फिर आप पूरा स्क्रब को हो जाने दीजिए, उसके बाद उनके फेस पे स्टीम दे दीजिए। इससे उनका जो फेस पे जो भी उनका पोर्स है वो ओपन हो जाएगा और उनके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत ईजीली रिमूव कर सकते हैं आप। अब मेरे हाथों को देखते हुए चलिए कि मैं किस तरीके से स्क्रब पे किस किस स्टेप का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम जब भी फेशियल करते हैं तो हमें अलग अलग स्टेप देना होता है, और जब हम क्लीन अप करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा थोड़ा हाथ चलाना है और आपको कुछ कुछ मसाज स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लैक हेड्स रिमूवर मशीन का यूज़ कर रही हूँ। आपको भी इस तरीके का मशीन यूज़ करना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है। अमेज़ोन में, फ्लिपकार्ट पे ये आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिलेगा और ये बहुत ही वर्थ इट है। इसको आपको ज़रूर से परचेस कर लेनी चाहिए। अगर आप एक ब्यूटी सलून खोले हैं, आप एक ऑनर हैं, तो आपको इस तरीके का एक मशीन अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। इससे बहुत ईजीली आपके फेस का जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होती हैं वो बहुत ईजीली रिमूव हो जाता है। और इसके साथ अगर जो बहुत छोटे छोटे वाइट हेड्स होते हैं, जो काफ़ी अंदर होते हैं, तो उसके लिए आपको एक पिन आती है, उसका यूज़ करना है। बट उसको बहुत हल्के तरीके से यूज़ करिए, ताकि बहुत ही स्पॉट्स उनके फेस पर ना आ जाए, डार्क स्पॉट्स।
ऑल ओवर उनके फेस पे, जहाँ भी नोज़ की जो साइड होती है, लिप के जो नीचे होती है, चिन के पास, इस जगह को आपको स्पेशली आपको ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर ब्लैकहेड्स होते हैं वो नोज़ के किनारे पे आपको मिलेंगे और लिप के नीचे जस्ट चिन के ऊपर, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स होते हैं। तो यहाँ पर को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करना है। अगर आप मशीन का यूज़ करते हैं तो आप मशीन से करिए, नहीं तो आप एक ब्लैकहेड पिन का यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको इस तरीके से बहुत इजीली आप इसे निकाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कुछ कुछ छोटे छोटे उनका जो पिंपल्स था वो काफ़ी डीप लेयरिंग पे था थोड़ी सी, तो वो जो है मशीन से नहीं रिमूव होता, तो उसके लिए आपको इस तरीके का पिन का यूज़ कर लेनी चाहिए और उसको आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से निकाल लेनी है, ताकि आपको एक अच्छा सा ग्लो भी आपके फेस पे आए और जितने भी डर्ट्स हैं आपके फेस से रिमूव हो जाए। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है मसाज क्रीम। हमने अभी जो भी स्क्रब यूज़ किया है जिससे कि हमारे जो फेस है उसके पोर्स ओपन हो गए हैं, उसको क्लोज करने के लिए अब हमें यूज़ करना पड़ता है मसाज क्रीम। इससे आपको अच्छे तरीके से मसाज उनके फेस पे देना है, जिससे कि उनके जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएं और जो भी डस्ट है वो उनके पोर्स पे ना जाने पाए। इसके लिए आपको मसाज क्रीम का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मसाज क्रीम पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ मसाज स्ट्रिप देनी है, जिससे कि आपके जो पोर्स है वो क्लोज हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी जो फेस है वहाँ पे रिलैक्सिंग पॉइंट होती है, प्रेशर पॉइंट होता है हमारे फेस पे, उसको आपको ध्यान में देना है और इस तरीके से आपको मसाज करना है और उन्हें साथ ही साथ रिलैक्स भी कराना है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके जो क्लाइंट आपके पास आती हैं वो आपके पास सिर्फ एक रिलैक्स कराने के लिए, अपनी फेस की क्लीनिंग के लिए आती हैं, तो आपको प्रॉपर से उन्हें रिलैक्स फील कराना है, जिससे कि आपके कस्टमर जो हैं आपके क्लाइंट जो है दोबारा आपके पास ज़रूर आएंगे। तो आपको इस तरीके से आप देख सकते हो मसाज के ऊपर प्रॉपर मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं स्पेशली आपको बताते जाऊंगी, इंट्रोड्यूस कराते जाऊंगी कि मसाजों का नाम क्या होता है और किस तरीके से मसाज स्टेप होते हैं उसको आपको अपने क्लाइंट पे करना है, कौन सा स्टेप आपको क्लीनअप पे करना है, कौन सा आपको फेशियल पे करना है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। आइस को भी अपना आप इस तरीके से ज़रूर क्लीन करिए। फोर्थ स्टेप आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं,
लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास जो भी होती हैं, मसाज क्रीम, जेल, लैक्टो ब्लीच, आप चाहे तो लैक्टो ब्लीच को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, बट जेल का आप यूज़ ज़रूर करिए, क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है उनके फेस पे। जितना भी हमने यहाँ पे फेशियल स्टेप दिए होते हैं, उनके फेस पे मसाज हुआ होता है, उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो बढ़ जाता है, तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने के लिए आपको जेल का यूज़ ज़रूर करना है। इससे उनको काफ़ी ठंडक फील होती है और इसलिए इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप देख सकते हैं थंब की हेल्प से आपको इस तरीके से अपनी नोज़ के जस्ट नीचे अपना जो चीक बोन है उसको इस तरीके से रिलैक्स कराते हुए आपको मसाज स्टेप देना है। आपको ऐसे नीचे से ऊपर की ओर मसाज करते हुए जाना है। जो भी आपने जेल अप्लाई किया है उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद अब हम लास्ट प्रोसेस हम करेंगे। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पैक। पैक आपको हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लगाना नहीं होता है, नीचे से ऊपर की ओर लगाना होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ऊपर से नीचे आपको कभी भी पैक का यूज़ नहीं करना है। ब्लीच को हम ऊपर से नीचे की ओर लगाते हैं और पैक को हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है टोनर। उनके आईज़ को भी रिलैक्स करने के लिए आप यहाँ पे चाहे तो आई पैड्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉटन का यूज़ कर रही हूँ। कॉटन को इस तरीके से उस पर आप यहाँ पे चाहे तो आप रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टोनर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लगा के आप करीबन 5 मिनट के लिए उन्हें छोड़ दीजिए, पैक को सूख जाने दीजिए। इसके बाद हमारा जो पैक है वो सूख चुका है। अब इसको आप अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए और हमारा जो क्लीनअप का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। याद रखिए, आपको जब भी आप एक टीनेजर पे क्लीनअप करते हैं आपको 15 से 20 मिनट में क्लीनअप जो है अपना कंप्लीट करना होता है। इससे ज़्यादा देर तक का मसाज या फिर क्रीम उनके स्किन पे आपको नहीं लगाना है। इससे आपकी जो क्लाइंट है उनको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो सकती है, उनको उनके फेस पे बहुत ज़्यादा दाने भी निकल सकते हैं। तो आपको टाइमिंग का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ओनली आपको 15 मिनट ही आप उनके फेस पे प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे और 15 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट जो है कंप्लीट करना होता है। उसके बाद लास्ट में टोनर से आप उनको इस तरीके से उनके फेस पे टोनर लगा दीजिए। उसके बाद हमारा क्लीनअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये मेरी क्लाइंट का फाइनल लुक है। मुझे कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगा। मिलूँगी मैं फिर आपसे एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।